गोरखपुर में एम्स प्रेसिडेंट देश दीपक वर्मा ने कहा कि किसी भी अच्छे संस्थान की पहचान उसके उपकरणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। एम्स गोरखपुर ने अपने प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब सुपर स्पेशलिटी की सुविधा मिलने से माहौल बदल जाएगा। ऑपरेशन में उपकरण की शिकायत को दूर करने के लिए अमृत फार्मेसी से ही इसकी खरीद की व्यवस्था बनाई जा रही है। डॉक्टरों के रिक्त पदों को भी भरने का प्रबंध किया जा रहा है। एम्स के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एम्स प्रेसिडेंट ने कहा कि नए खुले एम्स में गोरखपुर की प्रगति काफ़ी अच्छी है। यहाँ ब्रायोस्कोपी व क्रायोस्कोपी समेत कई ऐसे उपकरण इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो गोरखपुर ही नहीं अभी यूपी में भी कम जगहों पर ही उपलब्ध हैं। अब नए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भर्ती की जा रही है, इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि एम्स में आने वाला हर मरीज अत्यधिक उम्मीद लेकर आता है, उसे यहाँ से किसी अन्य संस्थान में रेफर के बजाय इलाज का प्रबंध किया जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि यहाँ हर मरीज को यथासंभव इलाज किया जा सके। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर के में बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 60 करने की तैयारी है। कई विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नई भर्ती की गई है। अब उन विभागों में भी भर्ती मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एम्स प्रेसिडेंट देश दीपक वर्मा, एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, सरकार से हमारे स्कूल 50 उस समय जीआर रिसर्च की पोस्ट हुआ करती थी और हमको अब हमारे पास सीधे 200 की पोस्टिंग हो गई है जीआर और रिसर्च की। तो वी हैव नाउ 200 जीआर रिसर्च, तो जिसकी वजह से हमारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो रोटेशन है वो भी कर दिया गया है। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जीआर रिसर्च दे दिए गए हैं, तो अब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम काम की नहीं रह गई है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है। और जो पोस्टें आई अभी, क्योंकि इस समय ये अभियान चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, मिशन रिक्रूटमेंट, पोस्ट मिशन रिक्रूटमेंट के अंतर्गत हमने इन सारे पोस्टों में पोस्टों को भर ली थी। लगभग 90% पोस्टें हमारी उसमें भर ली गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ करती थी कि हमारे सीनियर रेजिडेंट्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से जो लोग निकलते थे उनको स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया था कि वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ही मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें वो करेंगे, बॉन्ड भराते थे, दो साल का बॉन्ड भराते थे। तो हम लोगों ने स्पेशल कोशिश की कि ये एम्स गोरखपुर को एक स्पेशल कैटेगराइजेशन दिया जाए। और ये यहाँ पे चूंकि मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद बात की थी इसके लिए और वो उन्होंने एग्री कर लिया और अब हमको 25 सीनियर रेजिडेंट्स हमको, और वो भी उन पोजीशंस में जिसमें हमें ज़रूरत है, हमारी शादी स्कैसिटी की जो जगह थी उनमें वो मिलेंगे। बता दीजिए ना कौन कौन से भाग में मिलेंगे। जैसे रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में फैकल्टी नहीं ज्वाइन करी क्योंकि रेडियोलॉजी में बहुत मतलब बाहर भी काफ़ी हाई पे हो जाता है। तो रेडियोलॉजी जैसी ब्रांच में, डर्मा जैसी ब्रांच में और काफ़ी, और हमने तो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच को ही माना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांचेज में हमें सीनियर रेजिडेंट मिल जाएंगे इसमें। वो डीजीएमई के थ्रू हमें ये भी मिल रहे हैं यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के उससे जो निकले हुए। और इसी से कनेक्टेड था कि हम जो अपने पीजी कोर्सेस शुरू करना चाह रहे थे और स्पेशलिटी के भी कोर्सेज जो करना चाहते थे वो हमें उसमें थोड़ी बाधा आती थी, वो हम उतना तेजी से नहीं बढ़ा सकते थे। तो अब हम उसको भी, हमने ये तो आपको मालूम है कि पीजी कोर्सेज शुरू हो गए हैं जुलाई से। हाँ, जुलाई से हमारा पहला बैच आया था, पहला बैच तो पहला बैच उसमें हमने सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में पीजी स्टार्ट किए, जैसे एनेस्थीसिया में 4 हैं, जनरल सर्जरी में 4 हैं, ऑर्थो में 2 हैं, पीडिया में 2 हैं, साइकेट्री में 2 हैं, स्किन में 2 हैं और ईएनटी में 2 हैं, ऑप्था में 2 हैं। तो ताकि हमारे को मैन पावर बढ़ेगी क्योंकि वो लड़के पीजी कर रहे हैं यहाँ से, तो दिन रात लगातार काम करेंगे, तो वो फैसिलिटी। और तो हमने करीब करीब 33 पीजी दिए थे उसमें और अब इस बार हम जुलाई से 40 पीजी लेंगे, तो साल में हम करीब करीब 80 पीजी अकोमोडेट करेंगे। जनवरी में 40, तो अब सर अगर सर अगर गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, मतलब जैसे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सर ने काफी हेल्प किया हमको, तो अगर आगे हमारी सीट बढ़ी एसआर की, जेआर की, तो हम और पीजी का नंबर बढ़ा देंगे
और दूसरी चीज ये की हमने कि जैसे सर ने एसआर की सीट बढ़वा दी थी तो उसमें हमने ये किया कि हमने डीएम स्टार्ट कर दिया सुपर स्पेशलिटी कोर्स। अच्छा, अब इसी से कनेक्टेड ये है कि अब हम सुपर स्पेशलिटी के जो कोर्सेज हैं डीएम और एनसीएच के, वो हम कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी जनवरी 2024 से हम ये भी कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये किस सब्जेक्ट में है? ये डीएम स्पेशलिटी मेडिसिन में स्टार्ट कर रहे हैं, डीएम हम न्यूरोलॉजी में स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी जो नवजात बच्चों के लिए